कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियली आंकड़ा जो है लगभग 10-18 के आसपास है, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकती है। वो तो पोस्टमार्टम के हिसाब से जो है जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बता, देश की राजधानी दिल्ली है और जगह चुना गया है दिल्ली ताकि पूरे देश में भाजपा जो है संदेश दे सके। तो हम तो न्यायप्रिय जनता जो संविधान में, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनसे हम यही अपील करेंगे कि इनको जो भी मैंडेट मिला हो काम के लिए मिला था। अब जब जनता सवाल पूछ रही है कि भैया बेरोजगारी का क्या हुआ, अच्छी शिक्षा का क्या हुआ, अच्छे अस्पतालों का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ, देश का जीडीपी गिर रहा है 2.5 पे आ गया जो इनका कैलकुलेशन है, लेकिन पुराने फॉर्मूला से चलिए तो 1 पे आ गया, आर्थिक मंदी है, इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ उखड़ रहे हैं, लोग मजदूरी को मजदूरी नहीं मिल रही है, देश में जो है किसान जो है आत्मदाह करने पे आ गए हैं। इस हिसाब से जो सही मायने में जो मुद्दा है उस मुद्दे से डाइवर्ट करके ये चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों में उलझाने का काम करें। क्या करना चाहिए? हम सलाह देने वाले नहीं हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाने का काम। एक सवाल है, लेकिन जो ऐसे बीजेपी के कपिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं डीसीपी के सामने भड़काने का काम कर रहे हैं, आप अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे? ये तो साफ संदेश है ना, ये लोग हैं कौन, ये तो भाजपा के गुंडे हैं। आप बताइए, देश की राजधानी में डीसीपी के सामने ये हाल हो गया, कई अधिकारी ऊपर जान पे हमला आया है, कई भर्ती हैं, इलाज करा रहे हैं, कई की हालत गंभीर है, ये कैसे देश चल रहा है हमारा, इस पर कोई क्यों नहीं बोला? तो यही होता है ना, जब सरकार ही संरक्षण देने का काम कर रही है तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। इसलिए तो हम लोग चुनावों में ये कहते थे ये भाजपा जो है अमन चैन नहीं चाहती है, विकास नहीं चाहती बल्कि विनाश चाहती है। हम लोग कहते थे संविधान खतरे में है, हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसा काम करेंगे लोग तो जनता जो है वो देख रही है, इसमें तो सभी लोगों को समझाना चाहिए। हम तो हर जगह बिहार में भी जाके बोलते हैं, अगर भाजपा वाला एक्शन करे तो रिएक्शन मत दो। और हमने तो अपने चीज़ों को जो संशोधन जो है विपक्ष द्वारा उसको भी हमने बोला कि इंक्लूड होना चाहिए, हालांकि मत में जो भी हो, लेकिन आप देखिए ना, सुनने पे तो ये लग रहा था कि कितना झूठ का पुलिंदा है। अब वो आंकड़ा गिना रहे थे, बोल रहे थे गवर्नर साहब ने ये बताया है। अरे भैया, गवर्नर साहब को लिख के किसने दिया है? तो सरकार अपनी गलती थोड़ी ना मानेगी, वो तो कागज़ का एक पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। और उसमें से भी कौन सी योजनाएं बता रहे थे भैया? वही योजनाएं बता रहे थे जो ज़्यादातर योजना महागठबंधन का था, उसमें नया क्या था? अब कुछ योजनाएं ऐसी चली हैं जो भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला योजना है, सबको पैसा दो, चुनाव आ रहा है पैसा दो, चुनाव आ रहा है पैसा दो, तो ठगने का काम कर रहे हैं। आप शिक्षा पे कुछ नहीं बोले, आप बार बार 15 साल की तुलना करते थे। हमने बोला कि बिहार जब लालू जी के हाथ में मिला तो 27 करोड़ नुकसान में था, गांधी मैदान गिरवी था, उस समय की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ अलग थी। जब हैंड ओवर किया गया 2005 में नीतीश कुमार जी को तो 37 करोड़ सरप्लस था। अब जो है प्रति व्यक्ति जो आय है वो 3 गुना राष्ट्र का बढ़ा हुआ है। हम कहाँ हैं 15 साल में? आपने क्या किया? जो कर्ज है प्रति व्यक्ति आय बिहार का वो 1.25 लाख हो गया, पहले 5,000 था 2004 में। इस पे तो जवाब सुनने के लिए बैठेंगे नहीं बैठेंगे? अब हम नहीं कह सकते, इस पे हम कोई नहीं कह सकते। कल बोल रहे थे भाजपा क्या सोचती है, करते उनका कहना कि धोखा हुआ, आप लोग जिस तरीके से चुपके से मुलाकात कर लिए और बीजेपी के लोग चुपके से क्या, आप सबके सामने ही हुआ है बीजेपी ने थी ना वहाँ पे। अरे भैया, प्रस्ताव लाना है, हमने हाउस में एक चीज कही थी, आप अगर ध्यान दें कि अब आपसे भरोसा नहीं होता, हम लोगों ने आंख मूंद करके विश्वास किया था, अब जो प्रस्ताव लगेगा हमको दिखा दीजिएगा, बोला था ना, तो हम वही उसी सिलसिले में गए थे। और वो प्रस्ताव जो है सहसहमति से पास हुआ,
हम लोगों ने जो कमिट किया था। देखिए, अगर आप उनकी कमियों को गिनाएं तो चीज़ें हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। जो विपक्ष ने सवाल उठाया, चाहे जातीय जनगणना को लेकर के, 13 फरवरी को जो एक दिन का जो सत्र था, 13 जनवरी को, तो उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें उठाई थी। SC ST का जो था, हमने कहा था इसको परमानेंट कर देना चाहिए, क्यों 10 साल बाद बार बार जो है रिन्यूअल करना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमने NRC को लेकर के की थी कि प्रस्ताव जो है आप पारित कीजिए, उस समय भी हमने कहा था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को माना था, मानना ही पड़ता, और NPR को लेकर के जो हमने बातें कही थी वो मानना पड़ा। तो जो विपक्ष ने, जो हम लोगों ने सवाल उठाए, उसको आप झुठला तो नहीं सकते। मैंने, हम लोगों ने ईमानदारी से सच बोला और मानना पड़ा। और बिहार पहली देश की ऐसी राज्य है, देश का राज है, जहाँ BJP शासित होते हुए जो है रेजोल्यूशन सर्वसहमति से पास किया गया। अब ये मेरा जो जिम्मेदारी था वो पूरा हुआ NPR NRC को लेकर के। अब हमारा काम है लोगों के, नौजवानों को, बेरोजगारी को दूर करना, बिहार में विकास की बात करना, प्रोग्रेसिव बात करना, पॉजिटिव चीज़ें करना, इस पे हमारा ध्यान है। बिहार के जनता के, अवामों की गरीबी को दूर करना, इस पे हम लोगों का काम रहेगा। अब BJP वाले क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं, अब ये जाने भाई, हमसे कोई पूछ के गए थे नहीं ना। हम तो उस समय जो है प्रधानमंत्री बनाने की तक की बात करते थे। हालांकि जो भी है, तो सब चीज़ें बातें हैं इसमें, देखिए कोई कोई तो, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, आप लोग क्या अरे भाई आप लोग एक बात बोले, आप एक बात समझ जाइए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना गवर्नमेंट में। 4 साल में स्टेबिलिटी रहा है, 4 साल में 4 सरकार देखा है, फिर गवर्नमेंट अनस्टेबल होगा तो नुकसान किसका होगा। पूरे पलटन जो है भाजपा की, और किस पे, बिहार में एक बात बता दें, बिहार में अश्विनी चौबे के बेटा जो है FIR फाड़ रहे थे, तो बिहार में जिम्मेदारी किसकी होती थी, किसकी होनी चाहिए थी, नीतीश कुमार जी के। और कितने दूरी पे अश्विनी चौबे के बेटा FIR फाड़ रहे थे, क्या हिम्मत हुई गिरफ्तार करने की। ये लोग तो सत्ता की राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए जो लोग करते हैं करते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत जैसी चीज़ें होती हैं, नीति जैसी चीज़ें होती हैं, विचार जैसा चीज़ होती है, उससे ऊपर बढ़ करके इंसानियत होती है। इंसानियत के खातिर तो इतना कुछ हुआ, बिहार में भी आप देखिएगा मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई, क्यों हुई। बिहार में अश्विनी चौबे के बेटे को हिम्मत था, क्योंकि वो सत्ता में थे भाई, अगर उस पर कार्रवाई होती, गिरफ्तारी होती अश्विनी चौबे के बेटे पे, तो सरकार जो है मुख्यमंत्री जी है, मान्य सम्मान्य आदरणीय सब हैं, तो उनके कुर्सी पे खतरा आता। अब हम यही बात हम बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है, बोलो चाचा भतीजे के हिसाब से थोड़ी ना बात बोलते हैं, हम तो वही बात बोल रहे हैं जो नेता विरोधी दल को मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, कहना चाहिए। तो इसमें अगर आपत्ति है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग शुरू दिन से ही कहते रहे, इसके लिए हम लोगों ने कई बार यात्रा भी निकाली कि संविधान हमारा खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है। अभी हाल फिलहाल जो है दिल्ली का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, जहां BJP जो है उनकी बड़ी हार हुई, जो लोग उम्मीद भी नहीं लगा पा रहे थे कि BJP जो है इतनी बड़ी उनकी हार होगी। और उस चुनाव को जीतने के लिए साफ तौर पे वही पुराना ओल्ड टैक्टिस पे भाजपा आई कि भाई को भाई से लड़ाओ, हिंदू मुसलमान दंगा कराओ। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय मंत्री इस तरह के जहरीले बयान देना, जहरीले स्लोगन्स देना, सोसाइटी को कॉम्युनलाइज करना का BJP ने पुरजोर प्रयास किया। कोई भी तरकीब भाजपा द्वारा जो है दिल्ली के चुनाव में या झारखंड के चुनाव में उन्होंने नहीं छोड़ा। बात ये आई कि इतनी बड़ी हार हुई तो साफ भाजपा के लोग जब समझ गए कि उनके ध्रुवीकरण से नहीं चल रहा, तो इसको और जो है उग्र बनाना,
और दिल्ली के चुनाव के बाद देश की जनता को ये संदेश दिया गया भाजपा द्वारा। ये भाजपा के लोग कहना चाहते हैं कि अगर तुम हमको चुनाव हराओगे तो हम शहरों को जलाने का काम करेंगे और शांति फैलाने का काम करेंगे, भाईचारे को तोड़ने का काम करेंगे। और हम तो धन्यवाद देते हैं दिल्ली की जनता को कि उन्होंने जो बैंडेड जो दिया, सोच समझ करके जो देने का काम किया। तो ऐसे जो लोग गांधी जी के हत्यारे हैं, जो लोग केवल ध्रुवीकरण की बात करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे और कोई उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। धारणे में अगर बैठक किए हैं और अगर हम जो जनता से कमिट किए थे कि बिहार में NRC NPR नहीं होने देंगे और मुख्यमंत्री के वादों को गिनाएंगे, अगर उस सिलसिले में अगर हम मुख्यमंत्री से मिले कि भाई प्रस्ताव लाइए, ये तो आपका वचन था और हमने बार बार याद दिलाया, और तो उसमें कौन सी बुरी बात है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।